चरमन रही। देखिए 6.2 के हमने कुछ सवाल कर लिए थे, आठवें सवाल से आठवां, नौवां, बारहवां और तेरहवां जो हमारे सिलेबस में है ये आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी इन विच ए1 11 एम 68 डी 3। देखें ये तीन चीजें उसने दे दी है, वो कहता है इसमें कितनी टर्म्स है ये हमें बताना है। a1 an d फार्मूला हमारे पास होता है an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इनटू d, an 68 a1 11 दिया हुआ है n माइनस 1 इनटू d है 3, 3 को तरफ का आ जाए 3 है माइनस 3 11 माइनस 3 8 आ जाएगा, फिर हमने 3n की वैल्यू निकाली थी, 3n अपनी जगह पे 8 को उधर जाके नफी करा दी, 68 माइनस 8 60 3 पे डिवाइड करा दिया 20 20 टर्म्स आर इन एपी मतलब 20 टर्म्स होगी एपी ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ n स्टार ऑफ द एपी इज 3n माइनस 1 फाइंड द एपी, मतलब ये सीक्वेंस हमने निकाल लिया उसने n टर्म दे दी, n को पुट कर देंगे वैल्यू 1 2 3 4 अप टू 4, जब 1 पुट कराएंगे देखें 3 इनटू 1 3 माइनस 1 2, फिर 2 पुट कराएंगे 3 इनटू 2 6 आ जाएगा माइनस 1 6 माइनस 1 5, 3 इनटू 3 9 माइनस 1 8, 3 इनटू 4 12 माइनस 1 11 अप टू 4, सो द एपीपी 2 5 8 11 ये हमारे पास एपी आ गई। एपी की पहचान क्या होती है, डिफरेंस सेम होगा, अब यहां पे आप क्या कर रहे हैं 5 नफी 2 3 8 नफी 5 3 11 नफी 8 3 मतलब ये डिफरेंस सेम है तो ये एपी है, बस यही हमें प्रूव करके देनी थी एपी। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एंड एंड स्टॉप ऑफ द सीक्वेंस, ये उसने कुछ सीक्वेंस दे दी, वो कहता है इसके एंड एंड स्टॉप निकालें। ये देखिए सवाल थोड़ा सा अजीब सा है, पहली टर्म है तो बटे में 3 है, दूसरी में भी बटे में 3 है, तीसरी में भी बटे में 3 है, ऊपर स्क्वायर भी सब है, चेंजिंग ऊपर वाली वैल्यू में है वो हमें लेट करनी है, ऊपर वाली वैल्यू की हम एंड स्टॉप निकाल लेते हैं तो a1 4 b निकाल लेंगे दूसरी माइनस पहली n n है ये n का फार्मूला आपने लगाया 4 प्लस n माइनस 1 इनटू 3 a n है 4 प्लस 3 n माइनस 3 या 4 माइनस 3 1 आ जाएगा प्लस 3 n तो ये n स्टार आ गई। अब देखिए पहले टर्म में भी स्क्वायर था बटे में 3 था, दूसरी में भी स्क्वायर था बटे में 3 था, तो n स्टार का भी स्क्वायर भी ले लेंगे बटे में 3 भी कर देंगे, ये जो हमने निकाली थी इसका बटा 3 और स्क्वायर कर देंगे ये हमारा निकाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ वन और ए वन और बी एंड वन और सी आर इन ए बी शो दैट बी इज इक्वल टू 2 ए सी और ए प्लस सी, उसने खुद दे दिया ये ए बी है मतलब दूसरी माइनस पहली बराबर होगा तीसरी माइनस दूसरी मतलब डिफरेंस सेम है। अब हमने बी की वैल्यू निकालनी थी, ये वन और बी ये नफी है इधर आके जमा हो जाएगा ये उधर जाके जमा हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे बी आएगा 1 प्लस 1 इसका भी एलसीएम ले लेंगे ए सी ए जमा सी आ जाएगा। अब देखिए सी जमा ही आता है मैंने ए जमा सी लेके कोई फर्क नहीं है, ये 2 ओवर बी ए जमा सी ओवर ए सी 1 ओवर बी ये 2 इधर डिवाइड करा दिया 2 ए सी ये 1 ओवर बी है हमने बी निकालना है इसको उल्टा है जब इसको उल्टा है तो इधर इनको भी उल्टा आना पड़ेगा 2 ए सी ओवर ए प्लस सी यही हमने प्रूव करना था, ये 6.2 कंप्लीट हो गया।